हेलो फूडीज, वेलकम टू शालिनीज़ कुकिंग बग। आज हम बनाएंगे मुंबईया बड़ा पाव, वो भी ऑथेंटिक चटनी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक मसाला तैयार करूंगी। मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां, कुछ हरी मिर्च और 2 से 4 अदरक के टुकड़े लेकर नमक के साथ इसे पीस लिया है। ये एक मसाला तैयार हो जाएगा जिसे हम आगे यूज़ करेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, इसे गर्म होने देंगे। इसमें 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा सरसों दाना। अब सरसों दाने को हम कड़कने देंगे। जैसे ही ये कड़क जाएगा, उसमें हमने जो मसाला तैयार किया था, 2 से 2.5 चम्मच इस मसाले को हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। ये जैसे ही फ्राई हो जाए, अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब जैसे ही ये भुन जाएगा, अब हम लेंगे आलू। ये आलू मैंने बॉईल करके ले लिए हैं और इन्हें मैश करके ठंडा कर लिया है। ये मैंने 7 से 8 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, और इन्हें बॉईल कर लिया और मैश कर लिया। अब इसे हम मसाले में मिला देंगे और अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसे अच्छी तरह से मिलाना है हमें। ये देखिए जिस तरह से वीडियो में मैं कर रही हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भुनने देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर करके भून लेंगे। ये लीजिए, हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। बना लेते हैं इसका बैटर। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया, इसे मैंने पहले से ही छान लिया था। 1 चम्मच नमक, 1/8 टीस्पून खाने वाला सोडा, बस चुटकी भर सोडा ले रही हूँ, और 1 बड़ा चम्मच अजवाइन का, उसे मैं दोनों हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा इसे मिक्स करके, जब तक लम्स ख़त्म ना हो जाए, पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें बैटर बनाएंगे, फिर उसके बाद पानी डालकर इसे लम्प फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, इतना कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे थोड़ा साइड में रख देंगे और चलिए अब हम जो हमारा आलू का मसाला था, उसकी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। इस मसाले में जो मैंने 5 से 6 आलू लिए थे, इसमें 8 से 10 टिक्कियां बनके रेडी हो जाएंगी, जिस साइज़ की मैं बना रही हूँ। इस तरह से गोल करके आपको हल्का सा इसे चपटा कर देना है। देखिए इस तरह से मैंने बनाकर सारी रेडी कर ली हैं। अब एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने रख देते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। सबसे पहले हम ऑथेंटिक चटनी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 10 से 12 लहसुन ली हैं। इसे टूथपिक से थोड़ा प्रिक कर लिया जिससे ये फटे ना, और इसे डायरेक्ट तेल में तल लेंगे। इसके मैंने छिलके अलग नहीं किए हैं। इसे अच्छा बढ़िया फ्राई करके निकाल लेंगे। अब हमें उसी बैटर का हाथ से ही पतले पतले सेव तैयार करने हैं। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल कुरकुरे कुरकुरे सेव तैयार कर लेने हैं तेज आंच पर। देखिए ये मेरे रेडी हो गए हैं। तलने के बाद इन्हें भी निकाल लेंगे हम। यही हमारी ऑथेंटिक चटनी बनेगी इसी से। ये लीजिए ये तैयार हो गया है। चलिए चटनी बना लेते हैं। इन्हें हल्का ठंडा करके एक मिक्सर जार में डाल लेते हैं। देखिए इतने कुरकुरे हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। और जो हमने लहसुन तल के रखी थी उन्हें डाल देंगे, और 1 चम्मच नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। मैं 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और इसे हम पीस लेंगे। ये लीजिए हमारी ऑथेंटिक वाली चटनी रेडी है। चलिए अब वड़े फटाफट फ्राई कर लेते हैं। इसे बैटर में डालकर, देखिए जिस तरह से मैं ऊपर का एक्स्ट्रा बैटर निकाल रही हूँ, वैसे निकाल कर फिर हम इसे तेल में डालेंगे। इसी तरह से मैं सारे जो वड़े हैं वो तल के रख लूंगी और इन्हें पलट पलट कर पकने तक मीडियम आंच पे तल लेंगे। ये देखिए रेडी हो गए हैं। एक बार और पलट देती हूँ मैं इन्हें। ये लीजिए हमारे सारे वड़े बनकर तैयार हो गए हैं।
अभी ग्रीन चटनी और बना लेते हैं। वही अदरक लहसुन हरी मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया और इन्हें पीस लेते हैं नमक के साथ। अब लगाते हैं वड़ा पाव, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। पाव लेकर उसमें हमारी ग्रीन चटनी लगाएंगे और वड़ा रखेंगे और ऊपर से डालेंगे ऑथेंटिक वाली चटनी। वाह, बहुत ही टेस्टी होती है ये। और एक हरी मिर्च। और लीजिए, हमारा मुंबईया वड़ा पाव रेडी है। अब आप भी इसे बनाइए और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। बाय बाय।